हेलो फ्रेंड्स, आज हम बटरफ्लाई पोज करने वाले हैं। बटरफ्लाई पोज त्रिकालासन भी कहा जाता है। करने का सही तरीका जाने साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए। किस प्रकार करना है आपको? पिलो की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी स्पाइन को सीधा रखकर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में ज्वाइंट करें और जितना पास हो सके पेल्विक फ्लोर के पास लाएं, पेल्विक एरिया के पास लाएं। दोनों हाथों से इस प्रकार एंटरलॉक बनाते हुए पंजों को होल्ड करें। कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मुड़नी चाहिए इस प्रकार से। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अब आपको जर्क देना है 100 टाइम। किस प्रकार से आप देख सकते हैं नीस की जो लाइनिंग है कितने ऊपर आए हैं, आपके एल्बो की लेंथ तक आनी चाहिए। तो जर्क दीजिए स्टार्टिंग में स्लो स्लो 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार आप 100 टाइम जर्क देते जाएं। जब डेली आप बटरफ्लाई पोज करेंगे 100 to 100 टाइम तो आपको पता भी नहीं चलेगा साइटिका का दर्द 1 से 2 महीने में पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होकर कभी आपको दोबारा होगा भी नहीं। यह हमारा खुद का पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इस प्रकार आपको जर्क देना है दोनों पैरों से। और जब आपके 100 to 100 टाइम जर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखें आगे की ओर किस प्रकार झुकना है। पिलो की हेल्प से स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें और आप एक तकिया लें, थोड़ा आगे की ओर रखें। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए कानों के पास ले जाएं और आगे की ओर झुकें। ये उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो बिगिनर्स हैं। डबल पिलो भी रख सकते हैं आप और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो पूरा नीचे सिर झुका सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इससे आपका बैक पेन, साइटिका पेन बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, रिलीफ होगा। और दूसरा तरीका है कि आप पिलो को थोड़ा आगे लाएं अपने पंजों के पास और कुछ कमर से आगे झुकते हुए जैसे हम मकर आसन में रिलैक्स करते हैं, बस इस प्रकार आपको आंखों को बंद करके कुछ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आप रिलैक्स पोजिशन में रहें। आपको पीछे से पीठ को झुकाना नहीं है, कमर से झुकना है। स्पाइन आपकी इस पोजिशन में भी सीधी होना चाहिए। बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा साइटिका पेन, बैक पेन में। इस प्रकार आप दोनों तरीकों से बटरफ्लाई पोज तितली आसन कर सकते हैं।